में बीते कई दिनों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ कई विवादों का सामना कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम जब से दिया है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया कि यदि राज्य में लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगता है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में करेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ राज ठाकरे के बाद मैदान में उतर आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर वह भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन भारी संख्या में पहुंच गए शिवसैनिक, जहां पहुंचकर उन्होंने हंगामा कर दिया। राणा दंपति के घर के बाहर जमकर हंगामा किया गया और राष्ट्रद्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, राणा दंपति को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। वहीं 11 दिनों तक राणा दंपति जेल में रहा और तमाम जद्दोजहद के बाद नवनीत राणा और रवि राणा को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद राणा दंपति लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बड़ी बातें कहते हुए दिखाई दे रहा है, हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं नवनीत और रवि। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें, अब खबर आई है कि एक बार फिर से राणा दंपति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिरकार क्यों, आखिरकार किस वजह से? जानकारी के लिए आपको बता दें कि राणा दंपति को जमानत मंजूर करने से पहले कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थी कि इस मामले में वह मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आरोप है कि दोनों ने मीडिया से बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि 11 दिन तक जेल में रहे राणा दंपति से कोर्ट ने कहा था कि दोनों इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे, मीडिया से इस मामले में बात नहीं करेंगे, इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीनों शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन होने पर जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन नवनीत राणा और रवि राणा शर्तों का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं और अब इस विवाद के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत इन दिनों लद्दाख में हैं और लद्दाख पहुंच गई हैं नवनीत राणा। ऐसे में हर किसी की नजर दोनों ही नेताओं के अगले बयान पर बनी हुई है। आपको बता दें कि नवनीत राणा और संजय राउत विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य हैं और समिति के काम के सिलसिले में दोनों नेता इन दिनों लद्दाख पहुंच गए हैं। ऐसे में नवनीत राणा शर्तों का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चलें कि राणा दंपति के इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 15 जून को होने वाली है। लेकिन इसी बीच खबर आ गई है कि अब शर्तों का उल्लंघन करने के चलते एक बार फिर से राणा दंपति की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में अब देखना है कि नवनीत राणा बाहर रहकर कितना लुत्फ उठा सकती हैं कहीं भी। ऐसे में आपको बता दें कि नवनीत राणा जो अब लद्दाख में है, कितने दिन बाहर रहकर जिंदगी काट भी कितने दिन बाहर रह सकती हैं नवनीत राणा। फिलहाल देखा जाए तो नवनीत राणा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।